दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आपको, आपकी पूरी फैमिली को, मेरे ओर से हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, ये सब हमको पहले ही बोलना चाहिए था, लेकिन दोस्तों क्या करें, टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, दोस्तों पूर्वांचल ग्रामीण बैंक का जो पुराना वाला एटीएम कार्ड था वो डिसेबल कर दिया गया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरा एटीएम डिसेबल हो गया तो हम फिर से कैसे न्यू पिन जनरेट करें? तो दोस्तों, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, न्यू पिन एटीएम बनाने के लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के मशीन पर जाना होगा, तभी आप लोगों के एटीएम पिन बन पाएंगे वहाँ। अन्यथा किसी भी एटीएम के मशीन पिन नहीं बनेगा, केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के मशीन पे आपका एटीएम पिन न्यू जनरेट होगा, यानी कि बनेगा। तो दोस्तों, कुछ भाइयों ने कमेंट किया था, सर मेरा पूर्वांचल बैंक का जो है खाता 11 अंक का है और उसमें मांग रहा है 14 अंक। तो दोस्तों, जब एटीएम के मशीन पे जाएंगे तो दोस्तों उसमें उस मशीन पे जब आप न्यू पिन क्रिएट करेंगे अपने एटीएम का, तो दोस्तों उसमें मांगता है 14 डिजिट का। तो दोस्तों, आपका यदि 14 डिजिट का अकाउंट नंबर नहीं है तो आप अपना पूर्वांचल ग्रामीण बैंक का 11 वाला अकाउंट है, 11 नंबर वाला, तो दोस्तों आपको वही डालना रहेगा उसमें दो बार। उसके बाद तो दोस्तों, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, वो अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद OTP जाएगा आपके मोबाइल पे, OTP उसमें फिर करना रहेगा। उसके बाद तो दोस्तों, उसके बाद दो बार आपका न्यू पिन मांगेगा जो आप बनाना चाहेंगे, वो उसमें दो बार डालना रहेगा। उसके बाद आपका पिन बन जाएगा। तो दोस्तों, आप ट्राई करिएगा। अब जो बेशक आपका 11 अंक का अकाउंट है तो दोस्तों आप जाइए वहाँ, देखिए और बनाइए। फिर उसके बाद यदि नहीं शो कर रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, मैं एक बात और भूल ही गया आप लोगों को बताने के लिए। दोस्तों, यदि आप न्यू पिन बनाने के लिए जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के मशीन पे, दोस्तों आपको सबसे पहले अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, उसके बाद मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। यदि आपका मोबाइल नंबर नहीं रहेगा फिर आप अपना एटीएम पिन नहीं बना पाएंगे।